भव्य राम दरबार बना रहे हैं, वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं प्रभु राम की। 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। ईद का त्यौहार हमें भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन धनबाद में ईद के बाद जुम्मे की नमाज एक ही समुदाय के लोगों ने आपस में जमकर मारपीट की है। मधुबन थाने के खरखरी बस्ती में जुम्मे की नमाज के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। करीब करीब 10-15 मिनट बाद मस्जिद में रोक लिया सबको। उसके बाद घर जाने लगे तो जैसे ही इसराइल का घर तक पहुँचे हैं तो पहले से ही सब पूर्व प्लान तैयार करके रखा हुआ था। ऊपर छत पर बोतल, रड, ईंटा, पत्थर पूरा रखा हुआ था। और उसी बीच ऊपर से इसराइल, ऊपर से बोल रहे हैं, ऊपर में इन लोग का लेडीज लोग को रखा था, नीचे में सारा घर का था, इसराइल का परिवार, इसराइल था बेटी, ठीक है, ऊपर में था इसराइल का परिवार और नीचे में इन लोग था, नीचे में था इसराइल, इसराइल का दोनों बेटा, इसराइल का भाई इंतज, इन लोग मिल के। उसके बाद हदीस था, इसका बहनों हदीस, इसराइल का दामाद था, मगरिबन था उसका, इसराइल का बहन थी मगरिबन, और था और भी अन्य रबुल की माँ थी और उन लोग का अन्य लेडीज बहुत सारा था। इन लोग का कि अचानक ऊपर से पत्थर उत्थर पूरा फेंकने लगा, पत्थर ईटा रड, ठीक है, सब हरवे हथियार से लेस था। नीचे में तो सब जितना जेंस था सब हरवे हथियार से, किसी के हाथ में रिवाल्वर था, किसी के हाथ में रड था, किसी के हाथ में हॉकी था, किसी के हाथ में टांगी था। अंधाधुंध हम पर वार कर दिया। घटना के करीब करीब 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट तक हमारे साथ मारपीट किया, हम मूर्छित होकर गिर गए, हमारा सर फाड़ दिया। इसराइल के बेटा का हाथ में रिवाल्वर था। जो पुलिस ने कोई कार्रवाई किया? पुलिस अभी तक ने हमको बोला पहले ट्रीटमेंट कराने जाइए, ब्लड देखते हुए मेरा खून से भर लथपथ हो गया। इस तरह का जो खूनी संघर्ष है, क्या कारण था? कुछ हम लोग को कोई समझ में नहीं आया भाई। इन लोग, हम बताइए, कोई भी नमाज पढ़ने जाएगा चाहे पूजा करने जाएगा, कोई तो हर हथियार से लेस होकर नहीं जा सकता है। हम लोग को बेवजह का मार पीट के मेरा सर फोड़ दिया और जानलेवा हमला किया हम पर। इतना बड़ा हमला है, जानलेवा हमला जैसा बता रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? प्लानिंग, इन लोग पूर्व से क्या प्लानिंग बना कर रखा है यही लोग जाने। उस झगड़ा में मेरा 20,000 रुपया छीन लिया, मेरा गला सोना का चेन छीन लिया। इन लोग का जो लेडीज लोग ऊपर से पत्थर वगैरह जो चला रहा था ना, इन लोग जो झगड़ा कर रहे नीचे में हम लोग को जो मार रहा था, यही लोग का पत्थर यही लोग को लगा, जैसे हमको लगा, हमको मारा, उसी तरह इन लोग जो अभी झूठ मूठ का दिखावा कर रहा है, इन लोग का पत्थर यही लोग को लगा है, डंडा जो भी इन लोग का लेडीज लोग फेंक रही थी। कहने पत्थर तो किसी को देख के नहीं लगेगा ना भीड़ भाड़ में भाई, आप लोग भी समझ सकते हो, ऊपर से जो भी गिरेगा जिसका माथा, इन लोग को अगर हम लोग के पास एक डंडा भी रहता तो फिर दिखाते। मधुबन थाना क्षेत्र का अभी क्या मांग है? हम लोग का मांग है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन लोग को गिरफ्तार किया जाए, इसराइल को, हदीस को, शमीम को, मुख्तार को, उन लोग का दोनों बेटा को। टावर लगाने के लिए हमारे ज़मीन पर काम हो रहा था तो उस समय भी हम पर चढ़ाई किया गया था, उस समय भी मारपीट किया गया था। उस समय कुछ केस, पुलिस केस भी हुआ था? पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन आने के बाद सारा रिपोर्ट लिखा, लिखने के बाद पता नहीं पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लिया। उस समय बोलते रहे कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस प्रशासन चले गए,
जिस आदमी को किडनैप किया गया था वो आदमी कहाँ से फिर आ गया, छोड़ दिया गया, उसके बाद सारा मैटर पूरा उसका भी वीडियो है मेरे पास, हम वीडियो भी दिखाएंगे जो उस दिन भी क्या मैटर हुआ था, क्या किस तरीके से हम पर जुल्म होता है। मारपीट डब्लू किया है, खालिद किया है, संटू किया है, अनवर किया है, अनवर का परिवार किया है। कितना आदमी घायल है? घायल है हम लोग 4-5 आदमी घायल है। शेख इसराइल हुआ, इम्तियाज हुआ, मगरिबन बीबी हुआ, इसराफिल हुआ, ईद का बाद का ये जुमा। घटना का कारण क्या है? घटना का कारण बस वर्चस्व। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।